जुल्म के इंतहा पे चल रही है, ये दुनिया किस खुदा पे चल रही है। ज़ालिमों ने एक बार फिर एक मज़लूम मुसलमान को गाय के नाम पर लिंचिंग किया। समस्तीपुर के मुसरी घरारी के रहने वाले खलील रिजवी को पिछले दिनों कुछ ज़ालिमों ने गाय के नाम पर ज़िंदा जला दिया। खलील रिजवी का एक वीडियो आया जिसमें इन ज़ालिमों ने जिस वीडियो को वायरल किया था उसमें देखा जा सकता है कि वो बेचारा, वो मज़लूम इनसे गिड़गिड़ा रहा था, इनकी हर बात कबूल कर रहा था, ये हर बात पूछ रहे थे। उसके बाद इन लोगों ने उसे मार कर ज़िंदा जला दिया। तुम खाया हुआ गाय के गोश्त? खाया हुआ है? बोल ना। अभी तक कितना खाया है? क्या किलो तक? ट्रेजर में कौन कौन है? तकसीमा में कटता। मामा मामा जल्दी बताओ। तकसीमा में कटता भैया, और कहीं नहीं कटता। और कहीं ना है? तकसीमा में सब जगह सब जो है वही लाइसेंस लिए हुए का लाइसेंस वाला कटता है। लाइसेंस लिए हुए है? पता नहीं लिए ले ले कि नहीं ले ले। लाइसेंस माचो, उसका लाइसेंस कौन सरकार देती है? अरे नहीं, इसका जानकारी नहीं भैया। मादर चोद, नहीं इसका जानकारी नहीं भैया। उसका लाइसेंस है रे? नहीं भैया, इसका जानकारी नहीं भैया। अरे फिर चुप, और इधर बैठ, चल हमारा बैठ, घूमगा बैठ। विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई। विधानसभा की कार्रवाई से पहले CPIML के महबूब आलम ने कहा कि इसके खिलाफ अगर हुकूमत कार्रवाई नहीं करती है तो आंदोलन किया जाएगा। अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। महात्मा गांधी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बिहार के सदन के प्रतीक चिन्हों के साथ छेड़छाड़ करना बंद करो। बंद करो, बंद करो। बिहार का भगवाकरण नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। खलील रिजवी की मॉब लिंचिंग क्यों नीतीश कुमार? जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। इन्हें शर्म नहीं कि खलील रिजवी जो इनके ही कार्यकर्ता है, इनकी मॉब लिंचिंग हुई, फिर भी ये मॉब लिंचिंग नहीं मान रहे हैं। तो इससे पहले सीतामढ़ी में मॉब लिंचिंग हुई थी, इससे पहले अररिया में मॉब लिंचिंग हुई थी। इन तमाम सवालों को हम लोगों ने बिहार सदन में उठाते रहे हैं और इस बार भी हम लोग उठाएंगे जोरदार ढंग से। जवाब दिए बिना उनको भागने देंगे नहीं, ये हम लोग का संकल्प है। वहीं AIMIM के अख्तरुल ईमान ने भी आवाज उठाई। वीडियोग्राफी हुई है, जलाने का प्रयास हुआ है, नमक के बोड़े के साथ उसको दफनाया गया है और इस वीडियो को चलाया गया है ताकि सिर्फ उसका कत्ल ही नहीं हो बल्कि इसके जरिए से अल्पसंख्यकों पर भय का वातावरण पैदा किया जाए, दूसरे नंबर का शहरी बनाया जाए ताकि वो अपने अधिकार के लिए, अपने राजनीतिक सामाजिक अधिकार के लिए बात न कर सके। ये साजिश है, इसके लिए MIM आवाज उठाएगी। आवाज उठती रहेगी, बातें होती रहेंगी। हुकूमत जवाब देगी, जवाब दर जवाब मामला होगा। इसमें दो ज़ालिमों की गिरफ्तारी हुई है, अभी कई फरार हैं। फरारी, गिरफ्तारी, बेल और उसके बाद फिर इन ज़ालिमों की हौसला अफजाई, और इसके बाद एक मैसेज दिया जाएगा अक़लियती तबका को कि तुमको डर से, खौफ से और इनके तलवे तलो रहना है। कब तक ये होता रहेगा? विजय चौधरी खलील रिजवी के घर गए थे, बहुत सा आश्वासन दिया है। क्या होता है ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन सवाल ये है कि ये कब तक होता रहेगा। बड़ी सियासी पार्टी के किसी MLA ने खलील रिजवी के मामले पर कोई बयान नहीं दिया, ना ज़ुबान खुली। तेजस्वी यादव का भी कोई बयान इस पर नहीं आया है। आपको ये तय करना है कि आपका हामी, हिमायती कौन है। आप अपनी आवाज़ खुद बने, इंसाफ के लिए इंतज़ामिया और हुकूमत अदालत तक रुजू करें और जो खैरख्वाही और कार खैर के लिए इदारे कायम हैं उनको पहल करनी चाहिए। इन सियासतदानों को इसकी तौफीक शायद न हो। सियासतदान सिर्फ सियासत करेंगे, आपके लहू की सियासत ही इनकी सियासत को गर्म रखेगी। आइए देखें ये वीडियो और खलील रिजवी के भाई ने क्या कहा। इस तरीके से खलील रिजवी का, खलील आलम का जो हत्या कर दिया गया, हत्या करने के बाद उसको अधजला कर दिया, पाँच फीट गड्ढे में गाड़ दिया गया,
छुपाने के नियत से और छुपा दिया पूरे, तो मोबाइल के लोकेशन से किस तरीके से उसको बरामद किया है। तीन ठो को अभी तक पकड़ा गया, दो ठो अभी बाकी है। अब इससे ज़्यादा क्या कहेंगे, तीन तीन बच्चे हैं। उसके बाद एक उनकी पत्नी जो थी, सबका वही सब कुछ करता दाता हर चीज़ था, अब तो उस दुनिया में है नहीं, उस बच्चे का क्या होगा। तीन तीन बच्चे हैं, बीवी हैं। सरकार से तो सरकार से हम मांग किए हैं कि जो है इसको नौकरी दे, मुआवजा दे। हम उनके भाई हैं खलील के, मेरा नाम मोहम्मद सितारे है। गुनाहगार हैं, उसको फांसी की सजा दे, ये मेरी मांग। हमारी काविश कोशिश अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट करके हमें बताएं कि हमारी ये कोशिश कैसी रही और कहाँ कमी रही।